पांसिमल जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत मथुराला में ग्रामीणों ने शिकायत के बाद जांच दल के लिए पहुंचे और जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही। ग्रामीणों ने आरोप लगा है कि सचिव द्वारा जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है और जांच दल के आने के बाद कार्यालय से बाहर निकल गए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा। इसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा की गई थी, जिसके बाद जांच दल द्वारा निर्धारित बिंदुओं पर जांच की गई। ग्रामीणों द्वारा एक हितग्राही के पीएम आवास को लेकर भी शिकायत की गई है, जिसके बाद जांच दल ने संबंधित हितग्राही के घर जाकर निरीक्षण किया और पंचनामा कहा है। वहां उपस्थित एक महिला ने राशन नहीं मिलने की शिकायत करते हुए कहा कि उनका राशन कार्ड करीब 2 वर्षों तक नहीं बना और राशन कार्ड बनने के बाद भी उन्हें राशन पर्ची नहीं होने से राशन नहीं मिला है। वे मजदूरी कर राशन की खरीदी कर रही है। राशन 2 साल से हमारा मतलब परिवार आईडी अलग है, राशन कार्ड अभी 2 साल के बाद दिया सचिव ने, लेकिन ना ही पर्ची मिली। पर्ची की आशा मत करना बोले और कोठी में रख देना बोले कार्ड। राशन ही नहीं मिलता भैया, काम करके लेना पड़ता खाते। अभी शिकायत बहुत बार किया था भैया, लेकिन सचिव भगा देता, कोई भी बहाना बना देता और चला जाता। सचिव कल आना परसों आना ऐसा करके बोल देता और ऑफिस में रहता नहीं मतलब इधर। आदरणीय सभी को ग्रामीण को नमस्कार। मेरा मैं बीसी आवास रविंद्र निकुम हूँ। हम जनपद से 4 लोग जांच टीम बना के आए। पहले सिर्फ बीपीए गौले जी, कष्टा प्रभारी श्री कुलकर्णी जी, उपेंद्री श्री अनिल जी और इसी तरह से हमने मथुराला आए। यहाँ पे स्टार्टिंग में ताला मिला और सचिव को हमने बुलाया भी आया वो, और सभी ग्रामीणों से भी रूबरू करा कि भाई तू तो अभी यहाँ से हिलेगा नहीं। वो 15-20 मिनट हिल रहा और वापस बिना बताए चले गए। और जांच करने भी पीछे करीबन हमारे पास 5 बिंदु थे। सबसे पहले एक बिंदु मनेरा का था, दूसरा लाडली बहना था, तीसरा उज्ज्वला योजना था, चौथा प्रधानमंत्री आवास योजना था और अन्य और मतलब विकास कार्य थे। और विकास कार्य जैसे उधर प्रधानमंत्री आवास में भी देखने गए तो इधर पंचायत में सचिव आया और ताला लगा दिया और सारे लोग भारी बाहर हैं। और आज दिनांक तक हमको पिछले बार 5/1/2024 को भी आए सचिव और सब ग्रामीण मिलके ये तय किया कि 10 तारीख को संपूर्ण रिकॉर्ड बताया जाएगा। और आज 10 को आए तो सचिव ने ये कहा कि मेरे पास कोई किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, मैं बताने में असमर्थ हूँ और बिना बताए चले गए। और ये सारी बातें गांव के सामने रूबरू करवा दी। बस सर, एक पीएम आवास की जांच की क्या पाया गया उसमें? हाँ, पीएम आवास में जांच में पाया गया जो भारतीय चेयरमैन का जो आवास था, भारतीय चेयरमैन का आवास में मतलब ये सचिव ने क्या करा, उसका पिताजी चेयरमैन तो मर गया और भारती के नाम से रजिस्ट्रेशन कर दिया और वो उसकी राशि का पैसा दूसरे के खाते में डाल के निकाल लिया भाव सिंह के नाम से। और जबकि भारती को उसका अभी तक आवास बना नहीं और पैसा निकाल के दूसरे को दे दिया। मतलब सर जेठपी साहब से भी आपकी चर्चा हुई? हाँ, चर्चा हुई। जेठपी साहब ने भी यही कहा कि जो तथ्य तुम्हारे सामने है जो है सामने उसको मेरे सामने पुट अप करो। और मैंने भी कहा जी सर, मैं पूरा आज जो जो मैं देखा वो पूरा पंचनामा बना के पुट अप करता हूँ। सर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए? हाँ, आज ही दिए। बोले तुम तुरंत उसका रिकॉर्ड दो, मैं आज ही कार्रवाई करने के लिए सक्षम हूँ। जांच दल के साथ आए थे और ग्रामीण जन की जो शिकायत थी उस पर हमने चर्चा की और जो पॉइंट थे उनमें सचिव को अवगत करवाया था 5 तारीख को कि उसकी जो भी सूची है, बाकी सचिव द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट्स टीम को नहीं दिए गए, जिससे सचिव की घोर लापरवाही रखी के कारण गांव वालों को जो भी असुविधा हो रही है। सर अभी तक कितनी बार जांच हो चुकी है? ये मैं सेकंड बार आ चुका हूँ। तो सर प्रथम बार में क्या हुआ जांच के बाद? उस समय भी उन्होंने 2 दिन का समय मांगा था, हमने 5 दिन का समय उन्होंने मांगा था 5 दिन के बाद आना, 5 दिन के बाद आए, उसके बावजूद भी उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कोई उपलब्ध नहीं करा। सर अंत्येष्टि राशि में भी अनियमितता की बात बताइए उसका। हाँ, पाया गया उसमें, नहीं मिले बोले राशि नहीं मिली अभी। और सचिव द्वारा निकाल ली गई है नगद? हाँ, ये सभी पाया गया कि सचिव द्वारा निकाल ली गई। सर पंचनामा वगैरह बनाया गया? हाँ, बना लिया उसका पंचनामा सभी का। अब क्या होगा सर आगे? वो जनपद में हम जमा कर देंगे पूरे डॉक्यूमेंट।